प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव के नेतृत्व में देश में पेट्रोल डीजल सरसों के दामों की बढ़ोतरी को लेकर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बढ़ी महंगाई से आम जनमानस आहत है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यह मांग करती है कि देश में महंगाई पर रोक लगे तथा सर्व समाज को बेहतर सुविधा मुहैया कराते हुए मांगों को शीघ्र ही पूरा किया जाए। इस अवसर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष हाजी तहव्वर हुसैन, जिला प्रमुख सचिव बृजनाथ मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा, महंगाई को वापस लो, वापस लो, वापस लो, महंगाई को वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरसों का तेल की बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय, आपको अवगत कराना है कि कोरोना वैश्विक महामारी 19 के कारण देश आपसे मांग करती है कि बेलगाम महंगाई पर रोक लगे, नौजवानों को रोजगार देने, किसान बुनकरों दफ्तरों को सर्वहार समाज को बेहतर सुविधा मुहैया कराते हुए उनकी आवाज मांगों को पूरा किया जाए। श्याम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गोरखपुर। आज महंगाई के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने हर जिले में पार्टी के लोग महंगाई के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। खाद की बेतहाशा बढ़ोतरी दाम में, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ोतरी दाम में, सरसों के तेल की महंगाई देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है। इस महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ महंगाई वापस के लिए हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज डीएम महोदय को ज्ञापन देने आया है।